गाइज आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 11 करेंगे इनइक्वालिटीज। इसमें देखो क्या करना है आपको, तो इसमें देखो कुछ साइन मिलेंगे आपको, इनइक्वालिटी के साइन मिलेंगे, जैसे लेस देन और ग्रेटर देन वाले साइन मिलते हैं। जैसे इसमें साइन इज ये लिखा है, इसका मीन क्या है कि इज ग्रेटर देन, इसका मीन है कि ये ग्रेटर देन, ये वाला साइन हमारा क्या ग्रेटर देन और ये लेस देन, ठीक है। तो यहाँ पर इसको करने के लिए हमें सबसे पहले थ्योरम्स को समझना होगा। ये थ्योरम नंबर 3rd दिए हमें यहाँ पर, क्या गिवन किया है कि इफ़ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल, अगर टू साइड्स किसी भी ट्रायंगल की टू साइड्स क्या हैं अगर अनइक्वल हैं, जैसे ये साइड अनइक्वल है, देन द ग्रेटर साइड हैज द ग्रेटर एंगल अपोजिट टू इट, तो जो भी ग्रेटर साइड होगी इसमें उसके अपोजिट वाला एंगल भी ग्रेटर होगा। ये है थ्योरम नंबर हमारी 3rd। तो थ्योरम नंबर 3rd में देखो, अगर ये इस टाइप से हमें गिवन किया है, इस टाइप से गिवन किया है ए बी सी, और इसमें अगर बोला है, अगर इसमें बोला है हमें क्या कि गिवन है, अगर हमारे पास क्या गिवन है, अगर हमारे पास ए बी इज ग्रेटर देन ए सी, देन आपको प्रूव करना है, टू प्रूव करना है आपको क्या कि एंगल एंगल ए बी, अगर ए बी के अपोजिट एंगल सी होगा तो एंगल ए सी बी इज ग्रेटर देन किसके होगा, इज ग्रेटर देन होगा एंगल ए बी सी के, या एंगल बी कह सकते हो आप यहाँ पर सिंपल, ठीक है। तो ये एंगल हमारा ग्रेटर देन होगा इस वाले एंगल से। अब इसको प्रूफ कैसे कर सकते हो आप, देखो इसको प्रूफ करने के लिए सिंपल हम क्या करेंगे, हम क्या कर लेते हैं यहाँ पर ए सी साइड के ही लेंथ का आर्क लगा लेते हैं इस वाली साइड पर इस तरीके से, ठीक है। ये ए डी हमने डी पॉइंट बोला और यहाँ पर क्या हो गई, ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई अगर हम इसको यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं, तो अगर हम इसको यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं तो ये साइड हमारी इसके इक्वल हो गई, ठीक है। ए सी इक्वल हो गई ए डी के, ए सी इक्वल हो गई ए डी के, देन अगर हमारा ए सी इक्वल्स टू ए डी हो गया है तो इसका इनके एंगल्स भी इक्वल होंगे, एंगल ए सी डी इक्वल होगा एंगल, तो ये वाला जो एंगल होगा ये इस एंगल के इक्वल होगा ए डी सी के, ओके। अब ये जो एंगल ए डी सी है, ऑल्सो एंगल एंगल ए डी सी इज ग्रेटर देन होगा किसके, एंगल बी के। क्यों होगा एंगल बी के ग्रेटर देन, क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल है और एक्सटीरियर एंगल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है, इन दोनों एंगल्स के सम के इक्वल आएगा, तो इसका मीन्स ये इससे भी ग्रेटर और इससे भी, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर ये एंगल ए डी सी ग्रेटर देन होगा एंगल किससे, बी से। और ए डी सी और ए सी डी ये दोनों इक्वल हैं, तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर ए सी डी, ए डी सी को क्या लिख सकते हैं हम, ए डी सी को क्या लिख सकते हैं, ए सी डी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, ए सी डी के ग्रेटर देन होगा, ए सी डी ग्रेटर देन होगा एंगल बी से। अगर ए सी डी ग्रेटर देन हो गया एंगल बी से तो ये तो ए सी डी तो उससे भी बड़ा एंगल है, तो एंगल ए सी बी ऑल्सो ग्रेटर देन होगा एंगल बी के, यही हमें प्रूव करना था, ये हो गया हमारा प्रूफ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, तो इस थ्योरम से हमने क्या सीखा है, यहाँ पर हमें क्या इन्फॉर्मेशन देती है कि अगर टू साइड्स हैं हमें ट्राइंगल्स की, टू साइड्स हैं, तो जो भी बड़ी वाली साइड होगी इसमें, जो भी बड़ी वाली साइड होगी उसके अपोजिट वाला एंगल भी सबसे बड़ा होगा। जैसे हम लैड करते हैं कि एक साइड हो गई इसकी 13, एक हो गई इसकी 12, एक हो गई 5, तो इस ट्राइंगल में सबसे बड़ा एंगल कौन सा होगा, जो सबसे बड़ी साइड के अपोजिट एंगल होगा, जैसे 13 के अपोजिट ये वाला एंगल सबसे बड़ा होगा अगर हम इसे ए बी सी बोलें, तो यहाँ पर एंगल सी सबसे ग्रेटर होगा, उससे छोटा कौन होगा 12 के अपोजिट वाला एंगल बी एंगल, एंड उससे छोटा कौन होगा 5 के अपोजिट वाला एंगल एंगल ए। तो इस टाइप से ये इन्फॉर्मेशन देता है कि अपोजिट ग्रेटेस्ट साइड का अपोजिट एंगल सबसे ग्रेटेस्ट होता है, सबसे बड़ा होता है, ठीक है। तो ये है हमारा थ्योरम नंबर 3, और इसी की जैसे इसका कन्वर्स की तरह ये भी कि अगर इस बार क्या बोल रहा है कि अगर क्या है हमारे पास कि इफ टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर अनइक्वल, इफ टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर अनइक्वल, दो एंगल्स हैं किसी भी ट्रायंगल के और वो अनइक्वल हैं, द ग्रेटर एंगल हैज द ग्रेटर ग्रेटर साइड अपोजिट टू इट, तो सबसे ग्रेट जो ग्रेटर एंगल होगा उसमें, उन दोनों में जो ग्रेटर एंगल होगा उसके अपोजिट वाली साइड भी सबसे ग्रेटर होगी, ठीक है। तो इसमें भी हमें इसी टाइप से करना है इसे, तो इसको भी कर लेते हैं अब हम, तो देखते हैं इसमें देखो हमें गिवन क्या बोल रहा है कि अगर ये वाला एंगल सी ए बी, सी ए बी अगर ये वाला एंगल सी ए बी ग्रेटर है एंगल बी से, तो आपको प्रूव कर रहा है कि जो इसके अपोजिट साइड है इस वाले एंगल के अपोजिट साइड बी सी क्या होगी, इस वाले अपोजिट साइड, इस वाले एंगल के अपोजिट साइड ए सी के ग्रेटर होगी, ठीक है। तो बी सी ग्रेटर होगी किसके, ए सी के। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो इसमें सिंपल है, इसमें कि अगर हम इसको देखें ध्यान से तो हम क्या कर लेते हैं इसमें कि ए सी और ए बी को इक्वल कर लेते हैं, क्योंकि अभी तो हमें प्रूफ करना है कि बी सी ग्रेटर है ए सी के। तो यहाँ से हम इसको क्या कर लेते हैं, इस टाइप से ज्वाइन करते हैं कि यहाँ पर ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल हो जाए, ठीक है। अब क्या करेंगे हम,
अब देखो AD और CD का जो सम होगा, AD और CD का जो सम होगा, AD प्लस CD ये ग्रेटर देन होगा किसके, AC के ग्रेटर देन होगा, ये AC के ग्रेटर देन होगा। क्यों होगा? क्योंकि ट्राइंगल्स की टू साइड्स का सम हमेशा थर्ड साइड से ग्रेटर होता है, ये याद रखना प्रॉपर्टी कि एंगल्स की टू साइड्स का सम थर्ड साइड से हमेशा ही क्या होगा, ग्रेटर होगा और डिफरेंस हमेशा ही लेस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, AD प्लस CD ग्रेटर देन होगा AC से। ठीक है, अब AD और BD हमने इक्वल ले लिए हैं, AD और BD, तो AD की जगह हम BD रख सकते हैं, BD और CD ग्रेटर देन AC। अब देखो BD एंड CD ये मिलकर बनाएगा BC, तो BC इज ग्रेटर देन AC, तो यही तो हमें प्रूफ करना था, तो सिंपल हो गया ये प्रूफ। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। तो ये इन्फॉर्मेशन क्या देती है हमें, ये इन्फॉर्मेशन देती है थ्योरम कि अगर कोई भी साइड्स क्या है हमारे पास, कोई भी एंगल है और वो ग्रेटर है, जैसे हम लेट कर लेते हैं कि ये वाला एंगल 70 डिग्री है, ये वाला एंगल 30 डिग्री है। ठीक है, तो बड़े वाले एंगल्स के जो अपोजिट साइड होगी वही ग्रेटेस्ट साइड होगी, जैसे अब ये 70 है, 30 है, या फिर हम इसको क्या ले लेते हैं 80 है। तो अब इसमें सबसे ग्रेटेस्ट साइड कौन सी होगी, जिसका एंगल सबसे ग्रेटर होगा। ठीक है, सबसे ग्रेटर एंगल ये वाला है, तो इसके अपोजिट साइड ये वाली साइड सबसे ग्रेटर होगी, ABC, तो BC साइड सबसे ग्रेटर होगी इसमें। फिर उससे छोटी साइड 70 के अपोजिट वाली AC साइड होगी, और उससे छोटी वाली 30 के अपोजिट AB वाली साइड होगी। ठीक है, तो इस टाइप से जो भी एंगल्स बढ़ाए उसके अपोजिट साइड्स क्या होगी, ग्रेटेस्ट होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, ये थ्योरम नंबर 4 है। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं हम इसमें, थ्योरम नंबर 5 है। देख बोल रहा है कि ऑफ ऑल दी लाइन्स दैट कैन बी ड्रॉन टू अ गिवन स्ट्रेट लाइन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट आउटसाइड इट द परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट साइड, परपेंडिकुलर इज शॉर्टेस्ट होती है, ये बताना है आपको कि अगर आप कोई भी स्ट्रेट लाइन ले रहे हो और उसके आउटसाइड कोई भी पॉइंट ले रहे हो ओ, ठीक है, इस लाइन सेगमेंट पर जो सबसे छोटा डिस्टेंस इस पॉइंट से इस लाइन के बीच में सबसे छोटा डिस्टेंस होगा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ये आपको प्रूफ करना है। देखो इसका प्रूफ के लिए आप सिंपल यहाँ पर क्या करना होता है आपको, सिंपल इसमें क्या करते हैं कि आप यहाँ पर कोई भी पॉइंट ले लेते हो, यहाँ पर हमने कोई पॉइंट ले लिया सी, यहाँ पर कोई भी पी पॉइंट ले लिया, अब इसको हमने ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ पर अगर आप कोई भी पॉइंट लोगे तो 90 वाले एंगल्स के अपोजिट आएगा ये, और इसके जो अदर एंगल्स होंगे, इसके जो अदर एंगल्स होंगे वो हमेशा 90 से छोटे होंगे, तो 90 से छोटे होंगे, ये दोनों एंगल ही 90 से छोटे होंगे हमारे पास नॉलेज है। तो यहाँ पर हमें क्या होगा हमारे पास कि एंगल सी इज ग्रेटेस्ट एंगल देन अपोजिट टू इट, देन साइड अपोजिट टू इट ऑल्सो भी क्या होगी हमारी, ग्रेटेस्ट होगी। तो ये साइड ग्रेटेस्ट होगी, इस तरीके से अगर आप और कोई पॉइंट ले लेते हो तो ये भी ग्रेटेस्ट होगी, ये भी ग्रेटेस्ट होगी, ये भी ग्रेटेस्ट होगी। तो सबसे शॉर्टेस्ट कौन सी होगी, सबसे शॉर्टेस्ट कब होगी, जब ये यहाँ पर ये परपेंडिकुलर पर आ जाएगी, तो ये साइड हमारी बड़ी साइड्स हैं और ये वाली साइड्स हमारी क्या होंगी, ग्रेटेस्ट। तो इसी में इसमें यहाँ पर भी बताया गया है कि इन राइट एंगल ट्रायंगल OPQ में एंगल OPQ इज ग्रेटर देन OPQ इज ग्रेटर देन एंगल OQP से ग्रेटर देन होगा, देन इसके अपोजिट साइड OQ इज ग्रेटर देन होगी OP से ग्रेटर देन होगी साइड। तो सिमिलरली इट कैन बी शोन दैट OP इज स्मॉलर देन एनी अदर लाइन दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम O to AB, OP इज द शॉर्टेस्ट लाइन फ्रॉम O to AB। ठीक है, तो OP क्या होगी यहाँ पर, शॉर्टेस्ट साइड होगी, और OP सबसे छोटी साइड होगी। ठीक है, तो ये था हमारा थ्योरम नंबर 5। फिर हम इसके कॉरोलरीज करते हैं। देखो कॉरोलरीज का क्या होता है कि ये प्रूफ होता है, ऑलरेडी प्रूफ होता है इसको। तो ये इसकी क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है कि द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। इसके बारे में भी हमने बताया था आपको कि हमेशा अगर आप कोई भी ट्रायंगल लोगे, अगर आप कोई भी ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हो तो उस ट्रायंगल्स में हमेशा कोई भी टू साइड्स अगर आप लोगे ना तो वो हमेशा थर्ड साइड से ग्रेटेस्ट ही होनी चाहिए, तभी आप ट्रायंगल बना सकते हो, तभी आप ट्रायंगल बना सकते हो। जैसे अगर आपने 13 लिया, ये लिया आपने 5 और ये लिया 7, तो क्या आप ऐसे ट्रायंगल बना सकते हो, कभी नहीं बना सकते आप ऐसे ट्रायंगल। क्यों? क्योंकि अगर आपने यही 13 ले लिया और इस पर 5 और इस पर 7 अगर आप इसको कट करोगे ना इस टाइप से आप जनरली समझ सकते हो कि अगर ये 13 सेंटीमीटर लाइन है, यहाँ से आपको 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेना वो यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ से आपको कितना सेंटीमीटर लेगा 7 डिस्टेंस लेना वो यहाँ तक आ जाएगा, अभी भी इनके बीच में क्या आ जाएगा डिस्टेंस, क्योंकि आप कंपास लेकर अगर आप 5 सेंटीमीटर का आर्क लगाते हो और यहाँ से 7 सेंटीमीटर का आर्क लगाते हो तो वहाँ कहीं भी कट नहीं होगी, हमेशा इन दोनों साइड्स का सम या फिर कह सकते हो कोई भी दोनों साइड्स का सम हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन थर्ड साइड होना चाहिए। तो यहाँ पर आप क्या ले सकते हो, यहाँ पर आप ट्रायंगल बनाने के लिए क्या ले सकते हो, यहाँ पर आप 6 ले सकते हो, 6 और 7 13 पर भी इसके सेम
सेम, अगर सिमिलर लिया आपने, सेम लिया, इक्वल लिया, तब भी नहीं बना पाओगे, इससे ग्रेटर ही लेना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर 7 ले सकते हो, 8 ले सकते हो, ठीक है, तभी आप इसमें क्या बना सकते हो, ट्रायंगल बना सकते हो। ठीक है, आप देखो कोई भी दो साइड्स का सम देख लो, थर्ड साइड के ग्रेटर आ रहा है, इन दोनों साइड का सम इससे ग्रेटर है, इन दोनों साइड का सम इससे ग्रेटर है, इन दोनों साइड का सम इससे ग्रेटर है। ठीक है, तो यही हमारी कोरोलरीज है कि एनी टू साइड्स, सम ऑफ एनी टू साइड ऑलवेज ग्रेटर देन दी थर्ड साइड। ठीक है, तो हमेशा थर्ड साइड से ग्रेटर होगा। और यहाँ पर सेकंड वाली कोरोलरीज है कि एनी टू साइड्स का जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस बिटवीन एनी लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज लेस देन दी थर्ड साइड। और दो साइड्स का डिफरेंस हमेशा थर्ड साइड से कम भी आना चाहिए। देखो जैसे इन दोनों का डिफरेंस देखो आप कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, तो थर्ड साइड से लेस है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, इससे लेस है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 0, 13 से लेस है। ठीक है, तो हाँ एनी टू साइड्स का सम हमारा लेस भी होता है किसी भी थर्ड साइड से। ठीक है, तो ये हो गया हमारे थ्योरम इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। अब इसके क्वेश्चंस को करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यहाँ पर देखो बोल रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर प्रूव दैट ए बी इज ग्रेटर देन सी डी। ए बी इज ग्रेटर देन सी डी, सी डी से ग्रेटर देन है ए बी, ये प्रूफ करना है। देखो कैसे प्रूफ करेंगे अब हम इसमें। और देखो ध्यान रखना है आपको कि जिस वाले ट्रायंगल को आप यूज़ कर रहे हो, आप उसी ट्रायंगल्स की साइड्स को रिलेट कर सकते हो उसके एंगल से। तो हम यहाँ पर देखो करेंगे इसको कैसे, ये 70 गिवन किया है, ये सी है हमारा, ये बी गिवन किया है, ये हमारा डी गिवन किया है, और ये ए गिवन किया है, और यहाँ पर ये 40 डिग्री गिवन किया है। अब आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करना है हमें यहाँ पर कि ए बी इज़ ग्रेटर दैन, ए बी इज़ ग्रेटर दैन सी डी, ए बी इज़ ग्रेटर दैन सी डी, ये प्रूफ करना है आपको। कैसे कर सकते हो आप इसका प्रूफ, तो देखो ये 70 है तो ये 70 होगा। ठीक है, 70 होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों इक्वल साइड्स हैं। ये 70 है, ये 40 है, तो ये कितना होगा, ये 30 होगा, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे कि एंगल बी इक्वल होगा एंगल किसके, एंगल ए सी बी के, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये 70 डिग्री हो जाएगा। एंड एंगल ए सी बी, ए सी बी इक्वल्स टू होगा सम ऑफ एंगल सी ए डी प्लस एंगल डी, एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल्स टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, इसमें आप लिख सकते हो एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो ये 70 है, अगर ये 70 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये एंगल, एंगल सी ए डी प्लस एंगल डी कितना, 40, तो 40 माइनस कर देंगे तो 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 30 डिग्री एंगल सी ए डी, सी ए डी हमारा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, सी डी और इस वाली साइड में रिलेशन बना लो आप, कैसे, इन ट्राइंगल किस में देखो आप, ए सी डी में देखो, ए सी डी में देखो, ए सी डी में आपने देखा कि यहाँ पर जो ये एंगल है डी वाला एंगल ग्रेटर है हमारा किसके, ग्रेटर है हमारा डी वाला एंगल ग्रेटर है, एंगल डी इज़ ग्रेटर देन एंगल सी ए डी, सी ए डी 30 है, तो एंगल डी के अपोजिट ए सी साइड है, तो ए सी साइड हमारी ग्रेटर होगी किसके, साइड सी डी के। ठीक है, सी डी के अपोजिट होगी, क्योंकि सी ए डी के अपोजिट क्या है, ये वाली साइड है सी डी, सी ए डी एंगल के अपोजिट सी डी साइड है, तो ये सी डी के ग्रेटर होगी। अब देखो ए सी और ए बी इक्वल है, ए सी और ए बी इक्वल है, तो ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी, ए बी इज ग्रेटर देन हो गया सी डी, यही तो प्रूफ करना था हमें, हो गया आंसर प्रूफ, सिंपल है क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा। तो आपको ध्यान रखना है कि आप ऐसे नहीं कर सकते इसमें, कैसे कि आपने ये वाला 30 इसमें ले लिया, 30 इस वाले ट्रायंगल में ले लिया, और इसके अपोजिट अगर आप ए बी के अपोजिट ये वाला एंगल ले लिया, तो ऐसे आप टू साइड्स को कंपेयर नहीं कर सकते कि आप एक एंगल इस ट्रायंगल का ले रहे हो और एक एंगल आप इस ट्रायंगल का ले रहे हो। जो भी आप एंगल यूज़ कर रहे हो वो सेम ही ट्रायंगल के होने चाहिए, तभी साइड्स रिलेट होती हैं, लेस देन या ग्रेटर देन। ठीक है, तो इसीलिए हमने सबसे पहले इन दोनों एंगल्स को लिया, इन दोनों एंगल्स में ये वाला एंगल ग्रेटर देन था इस वाले एंगल के, तो ये वाली इसके अपोजिट साइड ए सी, ए सी इज़ ग्रेटर देन हो गई सी डी के, सी डी के ग्रेटर देन हो गई। अब देखो यहाँ पर ए सी इज़ ग्रेटर देन सी डी, ए सी ऑल्सो इक्वल है ए बी के, तो ए सी के प्लेस पर ए बी रखा हमने, बस हो गया प्रूफ। क्वेश्चन नंबर टू करते हैं इसमें हम, ये कह रहा है कि इन अ ट्राइंगल पी क्यू आर, क्यू आर इक्वल्स टू पी आर एंगल पी 36 डिग्री विच इज़ द लार्जेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल, ट्राइंगल की लार्जेस्ट साइड कौन सी होगी ये बताना है आपको। तो देख लेते हैं इसको, क्वेश्चन को सिंपल है बिल्कुल, कि अगर किसी भी ट्राइंगल पी क्यू आर में, अगर हम किसी भी ट्राइंगल पी क्यू आर में क्या करते हैं, यहाँ पर क्यू आर, क्यू आर और पी आर, पी आर को इक्वल कर लेते हैं, और एंगल पी हमें कितना गिवन किया है, पी हमें गिवन किया है 36, तो इसकी सबसे
लार्जेस्ट साइड, विच इज द लार्जेस्ट साइड, लार्जेस्ट साइड कौन सी होगी इसकी, तो ये 36 है तो ये भी 36 होगा क्योंकि आइसोसेलेस एंगल है, ये 36 ये 36, तो ये वाला एंगल आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें सॉल्यूशन अगर हम करेंगे, गिवन आप लिख लेना, सॉल्यूशन हम करेंगे अगर, तो सबसे पहले लिखेंगे एंगल आर पी क्यू, या फिर सिंपल एंगल लिख दो आप, एंगल पी इक्वल्स टू एंगल क्यू, ये कितना होगा 36 डिग्री। एंड इन ट्राइंगल अगर हम देखें, इन ट्राइंगल पी क्यू आर में, तो एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर, इन तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो एंगल पी की वैल्यू 36, ये भी 36, ये एंगल आर इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अब इनमें प्लस करेंगे हम 72 प्लस एंगल आर इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो एंगल आर इक्वल्स टू 180 माइनस 72 डिग्री, एंगल माइनस करेंगे कितना आएगा, ये कितना आएगा 108 डिग्री। अब देखो ये 108 डिग्री आ गया, अगर ये एंगल 108 डिग्री आ गया तो ये सबसे ग्रेटर एंगल है, तो सबसे ग्रेटेस्ट एंगल है, तो इसके अपोजिट साइड भी सबसे ग्रेटेस्ट होगी, तो सबसे साइड कौन सी होगी, तो पी क्यू विल बी लार्जेस्ट साइड, ये ग्रेटेस्ट साइड होगी। ठीक है, विल बी लार्जेस्ट साइड, तो पी क्यू लार्जेस्ट साइड होगी बिकॉज पी एंगल आर इज ग्रेटेस्ट एंगल। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर थ्री करते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर थ्री है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर थ्री कह रहा है कि इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 8 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर, टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर साइड्स लिए हैं, देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड इज बिटवीन ए एंड बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सच दैट ए इज लेस देन एंड लेस देन बी, ए लेस देन हो बी से। तो आपको पता है कि थर्ड साइड क्या होती है, थर्ड साइड आपको क्या पता है कि क्या होती है थर्ड साइड, हमेशा ही इन दोनों का सम क्या होगा, इन दोनों का सम ग्रेटेस्ट होगा, 8 प्लस 13 इज ग्रेटर देन होगा थर्ड साइड के ग्रेटर देन होगा, तो 20 इज ग्रेटर देन 20, लेस देन 20 होगी। ठीक है, लेस देन 21 होगी, और ग्रेटर होनी चाहिए किससे, इन दोनों के डिफरेंस से, ग्रेटर देन इन 13 माइनस 8, थर्ड साइड इज ग्रेटर देन 13 माइनस 8, तो यहाँ पर किससे ग्रेटर होनी चाहिए, 8 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 5 से ग्रेटर होनी चाहिए थर्ड साइड, तो थर्ड साइड क्या होनी चाहिए 5 से, तो बड़ी होनी चाहिए 5 से बड़ी होनी चाहिए, और 21 से छोटी होनी चाहिए। तो ए और बी की वैल्यू क्या होगा इसमें, ये हो गई ए की वैल्यू क्योंकि ए लेस देन है, ये हो गई बी की वैल्यू, तो ए और बी की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर, ए की वैल्यू 5 एंड बी की वैल्यू क्या हो गई 21, क्योंकि साइड इन दोनों ए और बी के बीच में लाई करेगी। यही पूछ रहा था आपसे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सच दैट ए इज लेस देन बी, ए लेस देन है बी से। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फोर्थ में देखो यहाँ पर गिवन क्या है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर राइट बी सी ए सी एंड सी डी इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर लेंथ, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, देयर लेंथ में, इनकी लेंथ के अकॉर्डिंग इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है आपको। किस टाइप से करोगे इसको, तो यहाँ पर करेंगे हम ए बी सी एंड डी, यहाँ पर ए बी सी एंड डी, तो यहाँ पर ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, ये कितना है हमारा 67 डिग्री, ये कितना होगा हमारा 33 डिग्री, ये डी हो गया हमारा। अब इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है किसको, बी सी ए सी एंड सी डी को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है इनको। कैसे करेंगे अब हम इनको देखते हैं, ये दोनों साइड इक्वल है, अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो आप ये वाला एंगल भी कितना बता सकते हो, ये वाला एंगल भी 67 होगा। ठीक है, ये वाला एंगल 67, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एक्सटीरियर एंगल है हमारा, एंगल ए सी बी, ए सी बी इक्वल होगा एंगल सी ए डी प्लस एंगल डी के, ए सी बी की वैल्यू 67 है, तो एंगल सी ए डी कितना होगा प्लस एंगल डी 33 डिग्री, 33 माइनस कर दोगे आप तो कितना मिलेगा हमें, एंगल सी ए डी 33 माइनस करेंगे तो 4 और 3 34 डिग्री, एंगल सी ए डी, सी ए डी कितना होगा 34 डिग्री, सी ए डी 34, ये 34 हो गया हमारा। तो देखो ये 34 है 33 है, अब इस वाले के अपोजिट साइड सी डी ग्रेटर देन होगी इस वाले साइड के। ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हो देन इन ट्राइंगल किस में, ए सी डी में, ए सी डी में एंगल
सी ए डी इज ग्रेटर देन होगा किसमें, एंगल इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है हमें, ठीक है। एंगल सी ए डी ग्रेटर देन होगा एंगल डी से, तो सी ए डी के अपोजिट साइड क्या है, सी डी, तो देन सी डी इज ग्रेटर देन होगी किससे, डी, डी के अपोजिट साइड ए सी से। और ए सी, और अब देखो ये 67, ये 67, ये वाला एंगल कितना आएगा, इसको फाइंड कर लो आप इन ट्राइंगल किसमें, बी ए सी में, बी ए सी, बी आपको किस किस साइड को अरेंज करना है, बी सी ए सी एंड सी डी, बी सी ए सी एंड सी डी। तो यहाँ पर आप क्या कर लो, इन ट्राइंगल ए बी सी में ए सी और इस वाली साइड बी सी में रिलेशन निकालेंगे हम कैसे, ये एंगल बी प्लस एंगल ये वाला सी, सी यहाँ पर लिख सकते हो आप बी सी ए प्लस एंगल बी ए सी, इन तीनों का सम कितना होगा 180, एंगल बी कितना होगा 67, एंगल बी सी ए कितना होगा 67 प्लस एंगल बी ए सी, बी ए सी आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर कितना होगा 67, 67, 77, 14 का 4 और ये 13 ये हो गया, प्लस एंगल बी ए सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल बी ए सी कितना हो जाएगा 180 माइनस 134, 180 माइनस 134 करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा 46, 46 हो जाएगा ये हमारा, तो ये 46 डिग्री हो गया। अब ये तो इक्वेशन फर्स्ट लिख लो आप इसे, अब देखो आप इन ट्राइंगल किस में, ए बी सी में, ए बी सी में देखोगे आप कि ये वाला 46 आ रहा है हमारा एंगल और ये वाला कितना आ रहा है हमारा 67 आ रहा है, 67 आ रहा है। तो यहाँ पर देखोगे एंगल बी इज ग्रेटर देन आ रहा है किसके, एंगल बी ए सी के, तो इसके अपोजिट साइड, बी के अपोजिट साइड है ए सी, ए सी इज, तो ए सी क्या होगी ग्रेटर देन होगी किससे, ए सी इज ग्रेटर देन होगी किससे, बी सी से, बी सी से ग्रेटर देन होगी। ये क्वेश्चन ये हो गई हमारे टू क्वेश्चन। अब हमें किसको लगाना है असेंडिंग ऑर्डर में, ए बी बी सी एंड सी ए को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, बी सी ए सी एंड सी डी को असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे छोटी साइड कौन सी है इसमें, सबसे छोटी साइड कौन सी है, सबसे छोटी साइड है बी सी, क्यों, सी डी ग्रेटर देन है ए सी और ए सी ग्रेटर देन है बी सी, तो बी सी सबसे छोटी साइड है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड फर्स्ट एंड सेकेंड से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकेंड से हम कह सकते हैं कि बी सी इज लेस देन ए सी एंड ए सी इज लेस देन सी डी, ये हो जाएगा हमारा असेंडिंग ऑर्डर, बी सी ए सी एंड सी डी, ठीक है। क्योंकि बी सी देखो सब बी सी ए सी से छोटी है और ए सी सी डी से छोटा है, तो सबसे बड़ा कौन है यहाँ पर, सी डी है, फिर उसके बाद ए सी है, फिर ए सी से छोटा बी सी है, तो बी सी ए सी सी डी ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। इसका सेकेंड पार्ट देख लेते हैं अब हम, देखो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सेकंड पार्ट भी, इसमें भी आपको बी सी ए सी एंड सी डी को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इसमें भी देखो हम कर लेते हैं, डायरेक्ट कर लेते हैं अब इसको हम कैसे, इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन हम देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें और कुछ गिवन नहीं किया है इसने हमें, तो हमें क्या है हमारे पास, ये 473 है, ये 47 है, तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, चलो सबसे पहले हम इस वाले एंगल डी को निकाल लेते हैं, इस वाले एंगल डी को निकाल लेते हैं, ट्रायंगल बी ए डी, बी ए डी में एंगल बी प्लस एंगल बी ए डी प्लस एंगल डी 180 होगा, बी की वैल्यू 73 डिग्री प्लस बी ए डी कितना होगा 47 और 31 कितना हो जाएगा ये 78 प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर इन दोनों को प्लस करेंगे 11 और यहाँ पर 51, 8 और 3 11 का 1 14 14 15 प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180, तो एंगल डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 माइनस 151, तो एंगल डी कितना हो जाएगा हमारा, एंगल डी हो जाएगा 51 माइनस करेंगे तो 29, तो ये हो जाएगा हमारा 29, ये 29 ये 31, तो इन दोनों का सम हो जाएगा एंगल सी, इन दोनों का सम कितना आएगा ये 30 और 30 60। अब हमें बी सी देखनी है साइड, बी सी देखनी है, ए सी देखनी है, ए सी देखनी है एंड सी डी देखनी है, एंड सी डी देखनी है आपको, कैसे करेंगे सब हम देखते हैं। अगर हम देखें इन ट्राइंगल किस में, इन ट्राइंगल ए बी सी में देखें, इन ट्राइंगल ए बी सी में देखें, इन ट्राइंगल ए बी सी में देखें, तो देखेंगे हम ए सी साइड का अपोजिट क्या है, यहाँ पर एंगल ये वाला है और यहाँ पर बी सी साइड का अपोजिट ये है, तो इसमें कह सकते हो आप एंगल बी ए सी इज लेस देन होगा एंगल किसके,
एंगल बी ए सी इज लेस देन होगा ए बी सी के, ए बी सी के, तो यहाँ पर बी ए सी कितना है 47, तो इसके अपोजिट वाली साइड क्या होगी बी सी साइड इज लेस देन होगी किसके ए बी सी के अपोजिट साइड, ए बी सी के अपोजिट साइड ए सी के। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसकी कि बी सी इज लेस देन होगा किससे ए सी से। फिर अब हम इसको देख लेंगे यहाँ पर ए सी और, ए सी और सी डी में रिलेशन कैसे, अगर हम इसमें देखें यहाँ पर तो क्या मिल रहा है हमें इन ट्रायंगल किस में, इन ट्रायंगल ए सी डी में, ए सी डी में क्या मिल रहा है अब हमें, ए सी डी में मिल रहा है हमें एंगल, एंगल सी डी ए या ए डी सी, एंगल ए डी सी इज लेस देन एंगल ए डी सी इज लेस देन एंगल सी ए डी, सी ए डी के ए डी सी कितना है हमारा ए डी सी के अपोजिट साइड है ए सी, तो ए सी इज लेस देन किसके आ रहा है सी ए डी के अपोजिट साइड क्या आ रही है सी डी, सी डी के फ्रॉम इक्वेशन। अब इस इक्वेशन सेकंड को देखो बी सी लेस देन ए सी एंड ए सी लेस देन सी डी, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम क्या कहेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम बोल सकते हैं क्या कि बी सी लेस देन ए सी एंड ए सी लेस देन सी डी, ये हो गया इसका असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर फाइव करते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर फाइव है हमारे पास, देखो इसका एक फिगर गिवन किया है इस टाइप से, इस टाइप से इसका एक फिगर गिवन किया है हमें, और यहाँ पर ये वैल्यू दी है हमें कितनी 137 डिग्री, ये है ए पॉइंट, ये इसका डी पॉइंट बोला है इसने, यहाँ पर बी पॉइंट इसकी वैल्यू गिवन किया 106 डिग्री, यहाँ पर ये ई पॉइंट एंड यहाँ पर ओ पॉइंट गिवन किया है, इसको आप ऐसे यहाँ पे ज्वाइन कर लेना है। और इसमें देखो क्या इन्फॉर्मेशन गिवन किया आपको, गिवन में गिवन यहाँ पर दिया है हमें क्या कि इन अरेंज द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल बी ओ सी, बी ओ सी की ट्रायंगल की जो साइड है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करनी है, एंड बी ओ एंड सी ओ आर द बाई सेक्टर, बी ओ एंड सी ओ आर द बाई सेक्टर, ये क्या है बाई सेक्टर्स हैं, बाई सेक्टर्स ऑफ एंगल ए बी सी एंड एंगल ए सी बी रेस्पेक्टिवली, इन दोनों के बाई सेक्टर है, मतलब मीन्स ये वाला एंगल इसके इक्वल है एंड ये वाला एंगल इस वाले एंगल्स के इक्वल है। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि बी ओ सी के, बी ओ सी के जो साइड्स हैं उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे पहले आपको इनकी साइड्स पता होनी चाहिए। तो हम देखेंगे इसमें कि अगर ये 106 है, अगर ये 106 है तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 74 डिग्री, ये हो जाएगा 74 डिग्री, ये 74 है तो ये कितना हो जाएगा 2 3 6 2 7 37 और 37, ऐसे ही ये 137 है, ये 137 हो गया हमारा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, या फिर कह सकते हो कि ये जो एक्सटीरियर एंगल है इन दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल आएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हो कि एंगल डी ए, डी ए बी, डी ए बी इक्वल्स टू होगा सम ऑफ एंगल ए बी सी, ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी, ए सी बी, डी ए बी कितना है, डी ए बी कितना है 137 डिग्री इक्वल्स टू ए बी सी, ए बी सी 74 डिग्री प्लस ए सी बी, ए सी बी, ए सी बी कितना होगा हमारा, यहाँ पर ये फाइंड करना है हमें, ए सी बी 74 माइनस कर देंगे 137 में से 74 माइनस करेंगे तो एंगल ए सी बी आएगा कितना आएगा, ए सी बी 74 माइनस कर रहे हैं तो ये 3 और यहाँ पर 63 ये आ रहा है एंगल ए सी बी, और अगर ये 63 हो गया कंप्लीट एंगल, ये 63 हो गया तो ये कितना कितना आएगा 63/2 मतलब 2 3 6 31.5 और 31.5। अब किस में देख लो आप, इन ट्रायंगल देखो आप किस में, बी ओ सी में, बी ओ सी वाले में देखो एंगल ओ बी सी प्लस एंगल ओ सी बी प्लस एंगल ओ या बी ओ सी, इन तीनों का सम 180 आएगा, ओ बी सी कितना आएगा 37, ओ सी बी कितना आएगा 31.5, बी ओ सी कितना आएगा फाइंड करना है हमें 180 डिग्री, ये इनको प्लस करोगे उसमें से माइनस कर लोगे कितना आएगा ये, तो ये कितना आएगा 68.5 प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल बी ओ सी कितना, एंगल बी ओ सी कितना 180 माइनस 68.5 माइनस करोगे एंगल बी ओ सी में से तो बी ओ सी एंगल कितना आ जाएगा,
ये आएगा हमारा, अगर हम 68 माइनस करते इसमें से, 68 माइनस करते तो कितना आता, 2 और 12, तो ये आता 1212, लेकिन अब आएगा ये 111.5 आ जाएगा अगर यहाँ पर 68.5 को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, 10 में से 5 5, 9 में से 8 1 1 और 1 11.5 डिग्री आ जाएगा ये, ठीक है। बी ओ सी एंगल कितना जाएगा 111.5 डिग्री, तो ये हो जाएगा 111.5 डिग्री। तो ये सबसे ग्रेटेस्ट एंगल हो गया, तो इसके साइड जो होगी वो सबसे ग्रेटेस्ट होगी, तो सबसे लॉन्गेस्ट साइड क्या होगी इसमें, बी सी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप दिखा सकते हो कि एंगल बी ओ सी ग्रेटर देन है किससे, एंगल ओ बी सी से, एंड ये ग्रेटर देन है किससे, एंगल ओ सी बी से। तो एंगल बी ओ सी के अपोजिट, एंगल बी ओ सी के अपोजिट बी सी साइड, बी सी साइड ग्रेटर है किससे, ओ बी सी के अपोजिट, ओ बी सी के अपोजिट ओ सी साइड, और ओ सी बी के अपोजिट, ओ सी बी के अपोजिट, ओ सी बी के अपोजिट साइड ओ बी साइड। तो ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो ये करना था क्वेश्चन नंबर 5 में आपको, सिंपल था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 से बोल रहा है कि डी इज द पॉइंट इन साइड बी सी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी, ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल में, ए बी सी ट्राइंगल में हमें क्या चाहिए, ए बी सी ट्राइंगल में डी इज अ पॉइंट ऑन ए साइड बी सी, बी सी पर डी कोई पॉइंट है, यहाँ पर डी कोई पॉइंट है हमारे पास बी सी साइड पर। इफ ए डी गिवन, गिवन क्या है हमारे पर, गिवन किया है कि ए डी, इफ ए डी इज ग्रेटर देन, ए डी इज ग्रेटर देन ए सी, देन सो दैट, टू शो करना है आपको क्या, टू शो ए बी, ए बी इज ग्रेटर देन ए सी, ए बी इज ग्रेटर देन ए सी, ये शो करना है आपको। तो करेंगे इसको प्रूफ। सबसे पहले अगर हम देखें कि अगर हमारे पास है ए डी इज ग्रेटर देन ए सी, ठीक है, इफ ए डी इज ग्रेटर देन, ए डी इज ग्रेटर देन ए सी, तो इसका जो अपोजिट एंगल होगा सी, इसका जो अपोजिट एंगल होगा सी इज ग्रेटर देन होगा इसके अपोजिट एंगल ए डी सी से। ऑल्सो ए डी सी एंगल, ए डी सी ग्रेटर देन होगा, एंगल ए डी सी क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, किस ट्राइंगल के लिए, ए डी बी के लिए, और ये इन दोनों एंगल्स के सम के इक्वल होगा। ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो ट्विन अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है, तो इसका मीन्स ये जो एंगल है ये इससे भी ग्रेटर होगा, इससे भी, तो हम कह सकते हैं एंगल ए डी सी इज ग्रेटर देन होगा एंगल बी। अब आप इस वाली इक्वेशन को देखो और इस वाली इक्वेशन को देखो, एंगल सी ग्रेटर देन एंगल ए डी सी और ए डी सी ग्रेटर देन एंगल बी से, तो इसका मतलब एंगल सी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से कह सकते हैं एंगल सी इज ग्रेटर देन हो गया एंगल बी। अब अगर इन ट्राइंगल ए बी सी में देखोगे, अब आप इस ट्राइंगल ए बी सी में देखोगे और आपको देख मिल गया कि एंगल सी, एंगल सी इज ग्रेटर देन एंगल बी से, तो ए सी के अपोजिट ए बी साइड, देन ए सी के अपोजिट ए सी के अपोजिट ए बी साइड ग्रेटर देन हो जाएगी बी, बी के अपोजिट ए सी साइड। ये हो गया हमारा प्रूफ, सिंपल था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं अब हम। 7 में देखो कह रहा है कि इन द फॉलोइंग फिगर बी ए सी 60 डिग्री एंड एंगल ए बी सी 65 डिग्री, प्रूव दैट सी एफ इज ग्रेटर देन ए एफ। कैसे करेंगे इसको, सिंपल क्वेश्चन है, टफ नहीं है ज़्यादा। देखो कि अगर हम इसका एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, इसको अगर हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पर ये 90 डिग्री और यहाँ पर इस तरीके से 90 डिग्री बन रहा है, ये कितना है 65 है, ये 90 है, और ये यहाँ पर कितना है 60 डिग्री है। आपको किस में, किस में चाहिए, सी एफ और डी एफ में, सी एफ और ए एफ में, सॉरी सी एफ और ए एफ में रिलेशन चाहिए। तो सबसे पहले इनकी नेमिंग कर देते हैं, ए बी सी डी ई एंड एफ, किस में चाहिए रिलेशन, सी एफ ये वाला सी एफ एंड ए एफ ये वाला ए एफ, तो ये वाली दोनों साइड में हमें रिलेशन चाहिए, इन दोनों साइड में हमें रिलेशन चाहिए। तो हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ये वाला ट्रायंगल ए एफ सी, ए एफ सी के एंगल्स को दिखाएंगे हम, ग्रेटर देन या लेस देन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले ट्रायंगल के एंगल्स फाइंड कर लेंगे, कैसे, देखो ये 65 है, ये 65 है, ये 60 है, ये 60 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा कंप्लीट, ये वाला एंगल कितना होगा 65 और 60 125, तो ये वाला कितना हो जाएगा हमारा 55, ये हो जाएगा 55 एंगल, ये हो जाएगा 55, ये 65 है, ये 90 है, ये 65 है, 90 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा,
ये एंगल हो जाएगा हमारा 25, ये 25 है, ये 55 है कंप्लीट, तो ये वाला कितना हो जाएगा 35। ठीक है सिंपल। फिर आप देखो ये 35 हो गया, इस वाले एंगल को और निकाल लो आप, तो ए एफ और सी एफ में रिलेशन मिल जाएगा आपको। अब ये वाला एंगल कैसे निकालेंगे हम, इस वाले एंगल को निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो ये 65, ये 90 इस वाले ट्रायंगल में ए डी बी में, ये 65 ये 90, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा हमारा कितना 65 90, तो ये वाला कितना होगा 25, ये 25 होगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये 25 होगा, ये सॉरी ये 30 होगा, देखो ये 30 होगा, क्यों 25 और 30 तभी तो 55 बनेगा, ये 35 होगा हमारा, ये 35 होगा, तो हमारे पास क्या मिल गया हमें, हमें मिल गया एंगल, देखो इसका सॉल्यूशन यहाँ पर टू प्रूव करना है आपको, क्या फर्स्ट प्रूव करना है कि सी एफ ग्रेटर देन ए एफ, एंड सेकंड प्रूव करना है डी सी ग्रेटर देन डी एफ। प्रूव करेंगे अगर हम इसको, देखो ये आप जो हमने किया है इसको आप लिख सकते हो कि किस तरीके से हमने एंगल्स को फाइंड किया है, हमने इसे डायरेक्ट कर दिया कि इन ट्राइंगल अगर हम देखें किस में, इन ट्राइंगल ए एफ सी में देखें, तो हमारे पास क्या मिल रहा है एंगल, एंगल एफ ए सी, एफ ए सी इज ग्रेटर देन मिल रहा है हमें, एफ ए सी इज ग्रेटर देन मिल रहा है एफ सी ए के, एफ सी ए के, एफ ए सी कितना है 35 डिग्री है, और ये कितना है एफ सी ए 30 डिग्री, तो ए एफ ए सी के अपोजिट साइड कौन सी है, एफ ए सी, एफ ए सी के अपोजिट साइड कौन सी है, ये सी एफ, ये सी एफ साइड ग्रेटर देन हो जाएगी एफ सी ए के अपोजिट, एफ सी ए इस वाले एंगल के अपोजिट ये साइड ए एफ साइड है। ठीक है तो ये ए एफ साइड हो जाएगी, ये हो गया हैंस प्रूफ सिंपल। ऐसे इसका सेकंड पार्ट कर लेंगे हम, ठीक है उसमें क्या करना है आपको, डी सी और डी एफ, डी सी कहाँ है हमारा, डी सी ये रहा डी सी और डी एफ ये वाला, तो ये वाला ही ट्रायंगल लेंगे हम, इस वाले ट्रायंगल के सभी एंगल्स फाइंड कर लो आप, इस वाले ट्रायंगल के सभी एंगल फाइंड कर लो। देखो ये 25 आ गया है हमारा, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 65। सम इंटरएंगल सम प्रॉपर्टीज आप इसको फाइंड कर सकते हो, तो ये जाएगा 65। अब किस में रिलेशन चाहिए आपको, डी सी लाइन में और डी एफ लाइन में, तो देखो ये वाला एंगल डी एफ सी, एंगल डी एफ सी इज ग्रेटर देन आ रहा है, डी एफ सी इज ग्रेटर देन आ रहा है एफ सी डी के, एंगल एफ सी डी के ग्रेटर आ रहा है, तो डी एफ सी कितना है 65, तो डी एफ सी के अपोजिट, डी एफ सी इस वाले एंगल के अपोजिट साइड कौन सी है, डी सी, तो ये डी सी साइड ग्रेटर देन हो जाएगी किसके, एफ सी डी के अपोजिट साइड कौन सी है, डी एफ, डी एफ के, तो ये हो गया हमारा प्रूफ। ओके तो गाइज इस ये वाला क्वेश्चन आपको इस टाइप से कर लेना है, ठीक है सिंपल क्वेश्चन है ये, आपको एंगल्स आपको लिख लेने हैं कि किस टाइप से हमने एंगल्स को फाइंड किया है। ठीक है तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8 में देखो गिवन क्या किया है, यहाँ पर गिवन किया है हमें ए सी इक्वल्स टू, ए सी इक्वल्स टू सी डी, एंगल बी ए डी गिवन किया है, बी ए डी 110 डिग्री, एंड एंगल ए सी बी गिवन किया है हमें कितना 74 डिग्री, इसका कुछ इस टाइप से फिगर गिवन किया है आपको, ये साइड इसके इक्वल गिवन की है, ये 74 गिवन किया है, और ये वाला गिवन किया है हमें 110 डिग्री, ये बी ये ए और ये डी, इस टाइप से आपको टू प्रूफ में क्या करना है, इसके इसके प्रूफ में आपको करना है क्या कि बी सी ग्रेटर देन सी डी, बी सी क्या है हमारी, बी सी साइड जो हमारी वो ग्रेटर देन है सी डी से, ये प्रूफ करना है। तो सिंपल प्रूफ है देखो इसका भी कैसे, ये 110 है, ये 74 है, ये दोनों साइड इक्वल होंगी, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये दोनों एंगल हमारे एक्स और एक्स होंगे, तो इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, इन दोनों का सम इसके एक्सटीरियर एंगल 74 के इक्वल होगा, तो 2x इक्वल्स टू 74 होगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 3 6 2 7 14, तो ये आ जाएगा 37 37, ये हो गया हमारा 37 37, ये 37 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 110 में से 37 माइनस कर दो कितना आएगा, ये 110 में से 37 माइनस करोगे, 10 माइनस कर दे देंगे, तो इसमें बचेगा हमारा 100, ये 10 में से 73, तो ये हो जाएगा हमारा 73 74। अब बी सी, ठीक है बी सी इसके अपोजिट एंगल है, ये 73 है 74, तो ये वाला एंगल निकाल लेंगे हम, कितना आएगा 73 74 कितना हो जाएगा,
सेवन और 147, 180 में से इसे माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 180 में से माइनस करेंगे इसे, हमारे पास आएगा 33 आएगा, 10 में से 7 3 और 7 में से 4 3, तो 33 आएगा, ये 33 हो जाएगा। अब हम इसमें देखें, अगर ट्राइंगल इन ट्राइंगल किस में देखें, ए बी सी में देखें अगर हम, तो क्या है हमारे पास, हमारे पास क्या है कि एंगल एंगल बी ए सी इज़ ग्रेटर देन है एंगल ए बी सी से, ये वाला एंगल बी ए सी ग्रेटर देन है एंगल ए बी सी से। ऐसा क्यों लिया हमने, क्योंकि इसके अपोजिट साइड बी सी आ रही है, तो देन हमारी बी सी साइड ग्रेटर देन हो जाएगी किससे, ए सी से। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट इसका पार्ट हो गया ये, एंड सेकंड पार्ट में हम क्या कर सकते हैं, इसका इन ट्राइंगल किस में देखेंगे हम, इन ट्राइंगल ए सी डी में देखेंगे। ए सी डी में ए सी के अपोजिट ये 37 है और ये सी डी के अपोजिट ये है, मतलब ये आपस में इक्वल है, ये आपस में इक्वल है, ए सी और सी डी आपस में इक्वल है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर रख सकते हैं क्या कि बी सी इज ग्रेटर देन ए सी। ए सी किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है, तो सी डी के इक्वल लग देंगे हम, सी डी के इक्वल लग देंगे, हो गया हैंस प्रूफ सिंपल। नहीं तो क्वेश्चन इधर ही कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 9 में देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर प्रूव दैट, ये आपको प्रूव करना है, कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन की है इसने हमें, तो इस टाइप से इसे भी कर लेते हैं। तो इसमें प्रूव करना है आपको, टू प्रूव क्या, कि फर्स्ट में प्रूव करना है कि ए बी ग्रेटर देन होगा बी डी से, सेकंड में प्रूव करना है क्या कि ए सी ग्रेटर देन होगा सी डी से, और थर्ड में प्रूव करना है क्या कि ए बी ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन होगा बी सी से। तो इसको भी कर लेंगे हम किस टाइप से, यहाँ पर हम इसको अगर हम फिगर देखते हैं यहाँ पर इसका, तो ये हो गया हमारा डी, ये हो गया बी, ये ए और ये सी। ओके, तो इसका प्रूफ करेंगे अगर हम, तो सिंपल है देखो, ए बी ग्रेटर देन बी डी, ए बी ग्रेटर देन बी डी होगा या नहीं, कैसे पता चलेगा, देखो ए बी के, अब ए बी पे यहाँ पर 90 बन रहा है, अब इस एंगल को अगर आप एक्स लेट करते हो तो ये 90 माइनस एक्स आएगा सम प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि एंगल ए डी बी ग्रेटर देन होगा, ए डी बी ग्रेटर देन होगा किससे, फिर क्या लेनी है, किससे, बी ए डी से, एंगल बी ए डी से ग्रेटर देन होगा, इन दोनों का सम 90 होगा क्योंकि 90 है। तो ए डी बी, ए डी बी के अपोजिट साइड क्या है, ए बी, तो ए बी इज ग्रेटर देन होगी किसके, बी सी, बी ए डी के अपोजिट साइड क्या है, ये बी डी, तो बी डी से, ठीक है, ये फर्स्ट प्रूफ हो गया हमारा। सेकंड में इसको अब देखेंगे हम किस में, इन ट्राइंगल किस में देखेंगे हम, इन ट्राइंगल ए डी सी में देखेंगे। यहाँ पर हमने देखा था इन ट्राइंगल किस में, ए डी बी में, ए डी बी में, ठीक है, यहाँ पर हम ए डी सी में देखेंगे। ए डी सी में देखेंगे अगर हम, तो ए डी सी में क्या होगा हमारा, ए डी सी में, ए डी सी में, यहाँ पर ए डी सी में ये 90 है, इसको वाई लेट कर लो तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस वाई, ये हो जाएगा 90 माइनस वाई हो जाएगा, सिंपल। तो अब करेंगे हम इसमें, तो क्या करेंगे इसमें, एंगल हमें क्या चाहिए, ए सी, तो एंगल ए डी सी के, ए डी सी, एंगल ए डी सी इज ग्रेटर देन आएगा किससे, डी ए सी से, एंगल डी ए सी से ग्रेटर देन आएगा। तो ए डी सी, ए डी सी के अपोजिट एंगल क्या है, ए डी सी के अपोजिट साइड, सॉरी, ए डी सी के अपोजिट साइड क्या है, ये ए सी, तो ये ए सी साइड ग्रेटर देन हो जाएगी किससे, डी ए सी, डी ए सी के अपोजिट साइड क्या होगी, डी सी या सी डी, ठीक है, इसके ये दोनों हो गए हमारे, ठीक है। तो सिंपल था ये, तो इन दोनों को अगर हम प्लस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को अगर हम प्लस कर लेंगे तो ये वाला प्रूफ हो जाएगा हमारा, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड अगर हम करते हैं तो थर्ड वाला प्रूफ आ जाएगा, कैसे, ए बी इधर प्लस, ए सी इधर प्लस, ये ए बी और ए सी इधर प्लस हो जाएंगे और ये ग्रेटर देन होंगे बी डी प्लस सी डी के, और बी डी और डी सी मिलकर क्या बनाएंगे, बी सी बनाएंगे, तो ये मिलकर बी सी मिलेगा हमें, तो ये ग्रेटर देन हो गया किसके, बी सी के, हैंस प्रूफ, ये इसका थर्ड पार्ट हो गया, ये इसका हो गया थर्ड पार्ट, ओके, इसका सेकंड पार्ट और ये इसका फर्स्ट पार्ट। तो इस टाइप से आपको करना है क्वेश्चन नंबर 9, सिंपल है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या कह रहा है ये, कि इन द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी प्रूव दैट ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी ग्रेटर देन डी ए,
ठीक है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, हम कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं, हमें नहीं पता वो क्या है, ठीक है, ये हम कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं, ए बी बी सी एंड ये हो गया ए बी सी डी। अब इसमें हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करना है आपको क्या, सबसे पहले आपको प्रूफ करना है क्या, फर्स्ट क्या कि ए बी बी सी सी डी, ए बी बी सी एंड सी डी ग्रेटर देन डी ए है, ठीक है। सेकंड में आपको प्रूफ करना है क्या कि ए बी बी सी सी डी डी ए ग्रेटर देन टू ए सी है। एंड थर्ड में हमें क्या करना है प्रूफ, ए बी बी सी एंड सी डी प्लस डी ए ग्रेटर देन टू बी डी होगा, ये प्रूफ करना है आपको। तो सिंपल है, देखो करेंगे इसको हम कैसे कर सकते हैं इसको हम, तो इसके प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, जैसे हमने इसको लैड कर किया ऐसे डिवाइड, ठीक है। तो अगर हम देखें इन ट्रायंगल किस में, इन ट्रायंगल ए बी सी में देखें तो क्या होगा, हमारा ए बी और बी सी का सम ग्रेटर देन होगा थर्ड साइड ए सी से, ठीक है, ये हो सकता है हमारा, यस इसको हम लिख सकते हैं ऐसे। फिर अगर अब हम देखें किस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए डी सी में, इन ट्रायंगल ए डी सी, हमें चाहिए इधर डी ए ए डी चाहिए, तो इस बार हम क्या करेंगे ए सी प्लस, इस बार हम क्या करेंगे ए सी प्लस सी डी का सम, ए सी प्लस सी डी का सम ग्रेटर देन ले लेंगे किसके, ए सी प्लस सी डी का सम ग्रेटर देन ले लेंगे किसके, ए डी के, ए डी के। अब इन दोनों सा, इन दोनों को कर देंगे हम प्लस, इन दोनों इक्वेशन को कर देंगे प्लस, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, ए बी बी सी ए सी सी डी ग्रेटर देन ए सी प्लस ए डी, ए सी से ए सी कैंसिल हो जाएगा तो मिलेगा हमें ए बी बी सी सी डी ग्रेटर देन ए डी, ये हो जाएगा हमारा ग्रेटर देन ए डी, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रूव, फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया है हमारा, ठीक है, ये इसका फर्स्ट पार्ट है। सेकंड वाले पार्ट में क्या करना है आपको, ए बी बी सी सी डी डी ए किसके हो, ट्वाइस ऑफ ए सी के हो, तो अब आप इन दोनों ट्राइंगल को सेपरेटली देखोगे आप, या फिर फर्स्ट इक्वेशन तो ये रही हमारी ए बी बी सी किससे ग्रेटर देन ए सी होगा, सेकंड इक्वेशन हम बना लेंगे इन ट्राइंगल किस में से, ए डी सी में से, ए डी सी में से हम क्या लिख सकते हैं कि ए डी और सी डी, सी डी और ए डी का सम ग्रेटर देन होगा ए सी के, इसे इक्वेशन नंबर थर्ड बोल देते हैं, थर्ड और फर्स्ट को ऐड कर लेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन को हम ऐड करते हैं तो क्या होगा, ये हमारे पास ए बी ए बी बी सी सी डी ए डी, ये वाले दोनों पार्ट और ये वाले दोनों पार्ट इधर प्लस किए हमने, ग्रेटर देन ए सी और ए सी, ए सी और ए सी क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए सी हो जाएगा, सिंपल ये हो गया हमारा थर्ड, इसका सेकंड पार्ट प्रूफ। थर्ड पार्ट में क्या करना है, अब हमें थर्ड पार्ट प्रूफ करने के लिए आपको प्रूफ करके दिखाना कि टू बी डी के इक्वल है, तो इस बार हम क्या लेंगे यहाँ पर ए बी बी सी, इसको इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे और लिखेंगे किसमें, इन ट्राइंगल किस में, ए बी डी में, ए बी डी में, ए बी और ए डी का सम, ए बी और ए डी का सम, ए बी प्लस ए डी का सम किससे ग्रेटर देन आएगा, ग्रेटर देन आएगा बी डी से, बी डी से ग्रेटर देन आएगा, इक्वेशन नंबर हम क्या डाल दें इसे फोर्थ लिख लेते हैं। ऐसे ही इन ट्राइंगल किस में देखें, इन ट्राइंगल बी सी डी में देखें, इन ट्राइंगल बी सी डी में देखें तो बी सी बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी का सम किसके इक्वल आएगा, बी सी प्लस सी डी का सम एक को ग्रेटर देन आएगा बी डी के, ये इक्वेशन नंबर फिफ्थ हो गए, दोनों को ऐड करो आप, एडिंग इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ, तो कितना आएगा ए बी ए डी बी सी सी डी ग्रेटर देन बी डी और बी डी ट्वाइस ऑफ बी डी, यही आपको प्रूफ करना था, ए बी बी सी सी डी डी ए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसका थर्ड पार्ट प्रूफ, तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर टेन तक ये कंप्लीट हो जाता है, फिर हम आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।